हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहां पे इंडिया का मिनी फेस्टिवल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि चल रहा है, जो कि टूर्नामेंट है अपने लास्ट स्टेज में आ गया है। यहाँ जहाँ पे आपको मुंबई और दिल्ली पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। अब बचे हुए एक प्लेस में जो कि तीन टीमों में फाइट होगा, जिसमें आरसीबी और यूपी जो कि स्ट्रांग दिख रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के उन्नीसवें मैच की जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वोमेन और आरसीबी वोमेन्स के बीच में। दोनों टीम का यह लास्ट लीग मैच होगा। आरसीबी के लिए यह मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, टीम अगर जीतती है तभी प्लेऑफ में जा सकती है। यह मैच आपको 12 मार्च को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 48% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात कर देंगे विनिंग परसेंट, देखते हैं जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 67% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 33% जीतने का चांस है। अब बात कर देंगे अवे स्कोर, देखते हैं जहां फर्स्ट इनिंग का अवे स्कोर 176 है, तो सेकंड इनिंग का अवे स्कोर 161 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे मुंबई इंडियंस वोमेन 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर आरसीबी वोमेन्स 0 मैच जीत के आ रही है। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पे बीरू भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों दिया हुआ है, आप जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करें। अब बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस अब तक बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। टीम अब तक 7 मैच खेलकर जिसमें से 5 मैच जीती है और 2 मैच हार के आ रही है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुकी है। लास्ट गेम में जहां पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस करते हुए WPL के इतिहास के सबसे बड़ी रन चेस को कंप्लीट किया, जहां पे टॉप ऑर्डर में आपको जसिका भाटिया, वेस्ट इंडीज के हैली मैथ्यू दिख रहे हैं। नंबर 3 पे जहां पे इंग्लैंड के नेट साइबर ब्रून जो कि खेल रही है, अमेलिया के भी फॉर्म में दिख रहे हैं। जहां पे हरमनप्रीत कौर जो कि लास्ट गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 95 रन बनाए थे, वहीं 5 इनिंग में 235 रन बना के टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। जहां पे लोअर ऑर्डर में जहां पे अमनजोत कौर जो कि हार्ड हिटिंग करती है, वहीं अगर बॉलिंग में बात करें जो कि लास्ट गेम में टोटल 8 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे, जो कि पूजा वटसागर जो कि 1 विकेट लिए थे। जहां पे मैथ्यू इस वक्त अच्छे फॉर्म में चल रही है। जहां पे अमेलिया के जो कि 7 मैच में 7 विकेट लेगा, टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। जहां पे साइका इसाक जो कि स्पिन बॉलिंग में है, नट साइबर ब्रून जो भी इकोनॉमिक स्पेल डाल रही है। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे हैली मैथ्यू है, तिका भाग्या है, नट साइबर ब्रून है, अमेलिया केर है, हरमनप्रीत कौर है, अमनजोत कौर है, पूजा वटसाकर है, एस सजना है, सबनीम इस्माइल है, हुमायरा काजी है, साइका इसाक है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे अमेलिया केर है, हरमनप्रीत कौर है, नट साइबर ब्रून है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी आरसीबी वोमेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे लास्ट गेम में हार्ट ब्रेथिंग वाली हार के बाद पूरी टीम डिसअपॉइंटेड दिख रही है। जहां पे ऋषा घोष ने अच्छा चेस करते हुए लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए, लेकिन लास्ट बॉल पर रन आउट हो गई, टीम बस 1 रन से मैच हार गई। इस हार से टीम के प्लेऑफ में खेलने की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। अब टीम के लिए मुंबई के अगेंस्ट मैच करो या मरो वाला होगा। टीम को यहाँ पे हर हाल में मैच जीतना ही होगा और टीम टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है। आप यहाँ से डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को खेलना होगा। और जहाँ पे ओपनिंग में आपको लास्ट गेम में स्मृति मंदना के साथ सोफी मॉलिनिक थी जो कि 7 इनिंग में 248 रन बनाकर मंदना जो टीम की लीडिंग रन स्कोरर भी है। नंबर 3 पे बात कर जहां पे एलएस पेरी जो कि लास्ट गेम में 49 रन बनाई थी। मिडिल ऑर्डर में जहां पे सोफी डिवाइन जो कि फॉर्म में चल रही है। विकेट कीपर में जहां पे ऋचा घोष ने लास्ट गेम में प्रेशर सिचुएशन में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 51 रन बनाए। वहीं लो ऑर्डर में जहां पे जॉर्जिया वेरम जो कि 3 स्ट्राइक रेट से रन बना सकती है। लास्ट गेम में अगर बॉलिंग की बात करें तो बहुत महंगी पड़ गई थी, जहां पे टीम ने टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किया था। रेणुका सिंह बॉल के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जहां पे श्रियंका पाटिल ने लास्ट गेम में सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे। जहां पे सोफी मॉलिनिक जो कि इकोनॉमिक स्पेल डाल रही है। शोभना आसा जो कि 8 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे जॉर्जिया वेरम को फेल चल रही है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे सोफी डिवाइन है, लेस पेरी है, स्मृति मंदना जो कि कप्तान है, शोभनी मैगना है, ऋचा घोष है, विकेट कीपर है, शोभनी मॉलिनिक से, जॉर्जिया वेरम है, श्रियंका पाटिल है, शोभना आसा है, रेणुका सिंह है, एसपी पोरखर है। आप कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि स्मृति मंदना है, एलएस पेरी है, आशा शोभना है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे मुंबई इंडियंस वोमेन होगा, यहाँ पे आरसीबी वोमेन्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंस्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।